पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नशे में धुत युवक ने महिला को लाठी डंडों से पीटा है। लाठी से पिटाई करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। जानकीपुरम के सेक्टर आई का बताया जा रहा है वीडियो। आरोपी शख्स को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नशे में धुत युवक ने महिला को जमकर पीटा, लाठी डंडों से महिला की पिटाई की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो वायरल हो रही हैं, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। जानकीपुरम का वीडियो बताया जा रहा है ये, जहां नशे में धुत एक युवक महिला को लाठी डंडों से पीटता हुआ नजर आ रहा है। महिला को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उमेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं तमाम जानकारी के साथ। उमेश, ये जो वीडियो हम देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, इसके वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई जरूर कर दी है, लेकिन ये साफ तौर पर एक बार फिर से बता रहा है कि किस तरीके से अराजकता की स्थिति है उत्तर प्रदेश में और लोगों में बिल्कुल भी खौफ नहीं है। नशे में धुत एक युवक महिला पर लाठी से हमला करते हुए नजर आ रहा है। उमेश, क्या कुछ जानकारी इस वीडियो को लेकर देना चाहेंगे आप? देखिए अदिति, बिल्कुल कानून व्यवस्था का खौफ, यानी जो होना चाहिए पुलिस का इकबाल शायद खत्म हो गया है। शायद यही वजह है कि आप देखिए, नशे में धुत युवक ने महिला को लाठी से पीटा है और जो सूत्र बताते हैं वहां पे लोगों ने सूचना भी दी पुलिस को। हालांकि पुलिस वहां मौके पे नदारद रही, लेकिन वीडियो में देखा जा सकता है किस तरह से दबंग और लाठियों से उस महिला को पीट रहा है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर जब जानकीपुरम पुलिस को सूचना मिली तो आखिर वो क्यों नहीं मौके पे पहुंचे और क्यों नहीं इस घटना को वो रोके। हालांकि इस पूरे मामले में अधिकारियों ने संज्ञान लिया है, जांच की बात कही जा रही, लेकिन एक सवाल खड़ा होता है लखनऊ पुलिस के ऊपर। जिस तरह से लखनऊ के पुलिस कमिश्नर देर रात क्राइम मीटिंग करते हैं, उसमें आसियाना से लेकर और जानकीपुरम थानेदारों पे फटकार भी लगाई गई थी, लेकिन आप देखिए कि क्या कमिश्नर की फटकार का असर हो रहा है या बिल्कुल कुछ भी वो सुनने को तैयार नहीं है जो बेलगाम थानेदार हैं। और शायद यही वजह है कि पुलिस की जो भ्रमणशीलता है, जो गश्ती है, उस पर भी सवाल उठता है कि आखिर किस तरह से वो क्षेत्र में भ्रमणशील रहते हैं, इस तरह की घटनाएं होती है। जबकि बीट सिपाही की ये ड्यूटी होती है, वो अपने बीट में पूरी तरह से भ्रमण रहे, हर चीजों को देखता रहे, और अगर कहीं सूचना मिलती है तो पुलिस ये भी कहती है 10 से 12 मिनट में सूचना को हम वहां पे पहुंच जाते हैं। लेकिन यहां युवक के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? ये जो तस्वीरों में ये युवक नजर आ रहा है लाठी से पीटते हुए, नशे में धुत है पूरी तरीके से, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी हासिल हो पाई है? अभी दोनों को गिरफ्तार की, इसको गिरफ्तार किया गया, लेकिन पुलिस ने इसके ऊपर 151 की कार्रवाई की है, यानी एक खाना पूर्ति करके इस मामले को टाला गया है। तो ऐसे में समझ सकते हैं कि अगर 151 इस तरह के दबंग व्यक्तियों का होता है तो कहीं ना कहीं उनके जो मनोबल है उसको बढ़ावा दे रही है पुलिस। ऐसे जो इस तरह के अपराध करने वाले लोग हैं, जो इस तरह से एक महिला को डंडों से पीट रहा है, इसके खिलाफ तो गंभीर और धाराओं में मुकदमा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पुलिस की भी ये हिला हवाली है कि पुलिस ने इसको 151 में चालान किया है। उमेश, कहीं ना कहीं ये हिला हवाली और उदासीन रवैया ही पुलिस का ये वजह है कि आए दिन इस तरीके की तस्वीरें हम देखते रहते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमेश।